हम इस वक्त खड़े हैं रेलवे मैदान पर, जहां पर बूथ सम्मेलन कल होने वाला है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आएंगे और साथ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल शिरकत करने पहुंच रहे हैं। आपको दिखाएंगे वो मंच है जहां से जो अपना बूथ जिताएं और फिर मोदी सरकार बनाए का मंत्र देंगे कल अमित शाह यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष। और मैं बताऊँ आपको, बुंदेलखंड और कानपुर के 17 जिलों से जो बूथ के कार्यकर्ता हैं वो आ रहे हैं। बूथ की स्ट्रेटजी कल तय होगी और फिर से जो आगामी लोकसभा चुनाव है, मोदी वेव को दोबारा से मोदी सरकार बनाने पर मंथन होगा। देखिए, एक बार फिर मोदी सरकार, इस मंत्र के साथ हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का कानपुर में आगमन हो रहा है। लगभग 10 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, 17 संगठनात्मक जिले के अंतर्गत कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र जो हमारे संगठन का नाम है, उसमें 24,000 लगभग बूथ के अध्यक्ष यहाँ पर रहने वाले हैं। और हमारे सारे इस 10 लोकसभा के विधायक, सांसद, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व मेयर, पूर्व सांसदों को मिला करके लगभग 27,000 से 28,000 की संख्या यहाँ पर रहने वाली। निश्चित रूप से हम अकेले दल ऐसे हैं कि जो किसी भी चुनाव के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। ये तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम संखनाद अभी नहीं कर रहे, संखनाद तो हमारा बहुत पहले हो गया। अभी व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स समेत ATS को भी लगाया कर लिए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कल शाह और योगी इस बूथ सम्मेलन से क्या मंत्र देते हैं। मैं रंजीत दीक्षित, ETV भारत, कानपुर।